नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश, जहां की सरकार ये दावा कर रही है कि उसने अपराध के मामलों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, सीएम शिवराज भी लगातार मंच से अपने भाषणों में अपराधियों को चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाओ या फिर प्रदेश छोड़कर निकल लो। सीएम की चेतावनी और प्रशासन की सख्ती के बाद भी प्रदेश में अपराध के मामलों में कुछ हद तक कमी आई है, लेकिन अब घरों के चार दीवारों में लड़कियों के हैवानों के शिकार होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के चलते आए दिन लड़की के साथ जिंदगी के दिल दहला देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना इलाके के एफसीआई के ऑफिसर ने नाबालिग नौकरानी के साथ 2 महीनों तक लगातार ऐसा काम किया जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एफसीआई ऑफिसर पीयूष श्रीवास्तव भरत नगर शाहपुरा में रहता है। वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अधिकारी है। शादीशुदा और एक बच्चे के पिता पीयूष श्रीवास्तव के घर करीब 4 साल से नाबालिग लड़की काम कर रही है। वो रोज सुबह घर आती थी और शाम 6 बजे वापस चली जाती थी। इस दौरान वो घर में खाना बनाने से लेकर सारे काम करती थी। घर के पूरे काम करने के कारण उसे घर के ऊपर वाला कमरा आराम करने के लिए दे दिया गया था और वो अपने कमरे में काम करने के बाद चली जाती थी। लेकिन एक दिन लड़की काम करने के बाद ऊपर वाले कमरे में रेस्ट करने पहुंची ही थी, किसी बीच पीयूष श्रीवास्तव उसके कमरे में पहुंच गया और वो उसे डरा धमकाकर जमरन जस्मानी संबंध बनाने लगा। इसके बाद वो अक्सर अपनी नाबालिग नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा, लेकिन धीरे धीरे लड़की की हालत खराब होने लगी तो वो उसे अपने साथ अस्पताल में भी ले गया और वहां किसी कोरे कागज में साइन भी करवाए। लेकिन जब लड़की रोज रोज गंदे कामों से परेशान हो गई तो आरोपी से डरी सहमी पीड़िता ने किसी तरह अपनी आपबीती अपने घर वालों को बताई और इसके बाद मामला पहुंचा कोर्ट और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और अब कोर्ट इसे इसके गुनाहों की ऐसी सजा देगा जिसे ये कभी भूल नहीं पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़ MP। धन्यवाद।